हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल नंबर 3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। देखिए इसमें क्या कहता है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 को लोकेट करना है आपको किसमें, नंबर लाइन में। तो मैंने आपको इससे पिछले जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करोगे। तो कैसे था पाइथागोरस थ्योरम, क्या थी, देखिए सॉल्यूशन में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ जरा। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, और यहाँ से h जो होगा वो क्या आ जाता है आपके पास में, अंडर रूट में b का स्केयर प्लस p का स्केयर, यही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ये पाइथागोरस थ्योरम। देखो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री। समझ रहे हो ये चीज़ें। अब देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर आपको लोकेट करना है, जैसे रूट 2 बताना है आपको, ठीक है, तो रूट 2 क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है। क्या है, रूट 2 हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज रूट 2 कैसे आ सकती है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेके चलते हैं हम, 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्केयर, 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या करें हम, रूट 2 लेके आना है, तो यहाँ 1 तो आ गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक और 1 होना चाहिए, और 1 कैसे होगा आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या हो जाए 1 का स्केयर, तो 1 का स्केयर भी क्या होता है 1, और इधर भी 1 था, 1 का स्केयर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया आपके पास रूट में 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई, रूट 2, और यही हमें चाहिए थी, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको जो नंबर दे रखा है आपको उसको हाइपोटेन्यूज मानना है, और हाइपोटेन्यूज मान के क्या करना है, परपेंडिकुलर को 1 पुट करना है हमेशा, ठीक है। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या चाहिए आपको, जैसे मेरे पास अंडर रूट में 2 चाहिए था, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा करके मुझे पता चल गया था यहाँ 1 ही चाहिए, और यहाँ 1 कैसे आ सकता है अगर हम b क्या लें हम 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बात समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि बेस कितना है हमारे पास, 1 है, बस इतनी बात आपको यहाँ पता करनी थी। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब आपको पता है कैसे हम बनाते हैं इसको, देखो ये जैसे आपके पास एक नंबर लाइन है, मान लो ये 0, 1, 2, 3, और ये -1 हो गया, -2, और ये -3, ऐसे लेंगे हम स्केल से ये, ठीक है। और देखो जरा बेस कितना है मेरे पास, यहाँ 1 है, तो बेस 1 ले लो, 0 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 1 यहाँ तक होगा, ये हो गया बेस 1, ठीक है, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट। अब देखो यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, और 90 डिग्री आप जब बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, और इसको कितना कट करना है, 1, तो ये 1 कट कर देंगे हम यहाँ तक, ठीक है, ये मान लो B पॉइंट है, और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन आएगी आपके पास ये क्या होगा, रूट 2 होगा। समझ रहे हो कि नहीं, बेस कितना था 1, तो बेस 1 ले लिया हमने, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 था, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले परपेंडिकुलर बनाया, फिर उसको 1 कट किया, ये ए बी जो बना है, ठीक है, फिर बी और ओ को ज्वाइन किया, ये क्या आ गई हाइपोटेन्यूज, और ये कितनी होगी, रूट 2, जब बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, रूट 2, ये आ गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कंपास रखेंगे, कंपास को इतना ओपन करो बी तक, ठीक है, और ये यहाँ पर एक आर्क लग जाएगी, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, रूट 2 का पॉइंट होगा। बात समझ रहे हो कैसे करना है या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो इसको हम स्केल की हेल्प से कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपने नंबर लाइन ले लेनी है, ठीक है, इसको आप 1 सेंटीमीटर कट कर दो, ये देखो पॉइंट्स ले लेंगे हम यहाँ पर, ये तो आपको आ गया होगा आप सभी को करना, ये देखो, ठीक है, चलो इतना ही ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 0, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर ये -1 होगा, -2, -3 और ये -4, समझ रहे हो कितना कितना सेंटीमीटर में लिया है ये मैंने, 1 सेंटीमीटर पे, क्लियर है। अब देखो जरा बेस बनाना है कितना, 1, तो बेस 1 कहाँ से हो गया, 0 से 1, ये क्या होगा बेस, 0 से 1 बेस हो गया। अब क्या करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, अगर ये पॉइंट हमारे पास ये ओ है पॉइंट और ये ए है, तो ए पर क्या करोगे प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री बनाओगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाना है, तो परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ये देखो ये 90 डिग्री की ये वाली लाइन आएगी आपके पास यहाँ, ठीक है, तो इसके साथ ही हम इसको बना देंगे यहाँ तक, ये देखो, देखो प्रोटेक्टर से क्या होता है आपको ये पता चल गया कि 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो जरूरी नहीं है कि वहीं तक लाइन लेनी है आपने, यहीं तक ले लो चाहिए शॉर्ट में, बस यहाँ तक, ठीक है, ये मुझे पता चल गया ये 90 डिग्री है हमारा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको कितना कट करना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ओपन करके कट करो, क्यों 1, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 है, ठीक है, तो यहाँ से ये हमने कट कर दिया 1, और ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास बी, क्लियर इतनी बात, और इस और बी को हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा ये बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, और ये कितना हो गया रूट 2, हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी है रूट 2, तो रूट 2 मुझे पता चल गया इतनी लाइन है, तो ये लाइन कहाँ पर बना दूँ अब मैं, ये इस नंबर लाइन पे, तो ये कैसे बना सकता हूँ ये देखना पड़ेगा मुझे, ये कितनी बड़ी लाइन है, तो हम ये कंपास की हेल्प से देख लेंगे, ओपन करो ये ओ पे रख के बी तक ओपन करो, और फिर यहाँ ये आर्क लगाओ, ये आर्क लगाने से क्या होगा इस नंबर लाइन पे मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट जो आया है ये वाला ये क्या है रूट 2 का, मतलब यहाँ क्या होगा रूट 2 होगा, और इसको मान लो पी, और क्या लिखोगे यहाँ पर पी कॉरस्पॉन्ड्स टू रूट 2, यहाँ पर लिख सकते हो आप पी
कॉरस्पॉन्ड्स टू रूट टू। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जरा वो बात आपको समझ में आ गई थी कि ये 1-1 सेंटीमीटर हम जो लेते हैं ये ज़रूरी नहीं है 1-1 ही लेना है आपने। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन ली मैंने, यहाँ पर ये लाइन ली मैंने नंबर लाइन की, मान लो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप 1-1 सेंटीमीटर से ही कर लेना लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देखो जरा 1-1 सेंटीमीटर ना लेके मैं मान लो मैंने मान लिया कि इतनी ओपन रखनी है मेरे को कंपास, ठीक है, और इतने इतने इक्वल कट ले लेने हैं मैंने, ये वाले इक्वल कट ले लिए। ठीक, ये कितने भी ओपन रख लो आप कंपास को, ठीक है, बस ये इक्वल होने चाहिए कट, ये नहीं है जरूरी कि 1-1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कभी भी कि ये 2 सेंटीमीटर आया है ये 1 सेंटीमीटर आया है, ये यूनिट है, मतलब 2 यूनिट है 1 यूनिट है, समझ रहे हो? अब जरा देखो जरा, अब जैसे ये मैंने कट ले लिए, ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, नंबर लिखने शुरू करो, जैसे 0 ये लिख लिया मैंने, 1 इसको लिख सकता हूँ, 2 इसको, 3 इसको, इधर -1 -2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, अब मेरे पास जो 1 यूनिट है वो ये है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ था क्या बेस 1 था, तो मैं ये भी ले सकता हूँ बेस 1, ये हो गया बेस 1, अब जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर ही होगा, बस इक्वल लेंथ के होने चाहिए ये कट, जितने इक्वल लेंथ, मतलब ये क्या है, अब यहाँ ये 1 का 1 यूनिट है ये। ठीक है, तो बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर कैसे, वही 90 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ क्या करेंगे हम 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट करना है 1 कैसे कट करना है, अब दोबारा परपेंडिकुलर जितना ये आपने कट लगाया था ये वाला कट, अब आपके लिए तो 1 ये है ना, जितने ये कट हैं, समझ रहे हो ना, कहीं 1 सेंटीमीटर लेके कट लगा रहे हो, जितने आपने ये कट लगाए हैं वही होगा, तो अब यहाँ से देखो जरा कितना होगा, ये कट हो गया, क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं, ये मैं रफ बना रहा हूँ वैसे आपको सिर्फ एक समझाने के लिए। ठीक है, ये बी पॉइंट आ गया था मेरा, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये कौन सा है ओ, और इनको ज्वाइन कर दो, ओ को और बी को ज्वाइन करते हैं, फिर तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ये सब कुछ, इतनी कंपास लेके यहाँ कट करेंगे। ठीक है, ये किसका पॉइंट है, रूट टू का पॉइंट है, बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, ये रूट टू था, रूट टू की ये लाइन आ गई, इसको पॉइंट पी बोला हमने। सिर्फ ये जो डायग्राम है ये मैंने इसलिए समझाया आपको कि कहीं आप ये सोचो कि हमेशा ये तो 1-1 सेंटीमीटर ही लेके चलना है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर स्कूल वगैरह में इस तरीके से कराया हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कुछ भी। ठीक है, क्लियर इतनी बात या नहीं, ईजी था? ओके, थैंक यू।